बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। अचानक मुझे वीडियो बनानी पड़ गई है एक टॉपिक के हवाले से जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। हर जगह इस हवाले से डिस्कशन हो रही है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी बख्तावर भुट्टो का निकाह हो गया, उनकी रुख्सती होगी, जो कि आसिफ अली जरदारी साहिब की भी बेटी है। अब इस हवाले से मैंने मीडिया और सोशल मीडिया पर जो खबरें देखी, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक। मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अखबार जो कि मुल्तान का अखबार था, उसने ये खबर लगाई कि बख्तावर भुट्टो अपने सुहाग रात कराची में मनाएंगी या लाहौर में। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत का लेवल, जर्नलिज्म का लेवल किस हद तक गिर चुका है। हम हिंदुस्तान पर तनकीद करते थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने भी, पाकिस्तानी चैनल्स ने भी, पाकिस्तानी अखबारात ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये खबरें वायरल हो रही कि जनाब, एक और खबर मैंने पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि एक अरबपति बाप ने अपनी बेटी को कितना जहेज़ दिया होगा। जितना मर्जी जहेज़ दिया है, तुम्हें इससे क्या है? और अगर तुम कहते हो कि आसिफ अली जरदारी करप्ट है, ऐसा है तो वैसा है, तो करप्शन करने वाले को अगर आप पैसों की करप्शन करते हैं उसको नैब पकड़ते हैं, अगर आप कोई और क्राइम करते हैं तो उसको पुलिस पकड़ते हैं, तो आसिफ अली जरदारी को नैब या पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? तो इस तरह के शर्मनाक बयानात, शर्मनाक वीडियो, सनसनी फैलाने की बजाय खुदा रहा एक रिश्ता उनका हो गया है, होने दे उस सियासी ख़ानदान के ऊपर, आगे कम जुल्म बीते। एक आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख ले, उनको शहीद किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, इनके जितने मामू थे, कोई अगवा हो गया, कोई मर गया, कोई लापता होगा, किसी की लाश आज तक नहीं मिल सकी। लेकिन हम पाकिस्तानी है कि अभी तक उस ख़ानदान को टारगेट कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन वो ख़ानदान, उस ख़ानदान के नाम पर हम वीडियोज़ बनाते हैं, पैसे भी कमाते हैं, और उस ख़ानदान के नाम पर आज भी पाकिस्तान में सियासत हो रही है। हम कहते हैं ना, भुट्टो मर गया है, भुट्टो ऐसा हो गया, भुट्टो नहीं मरा, भुट्टो वाकई ज़िंदा है। कैसे ज़िंदा है? आप देख ले, जो मर्जी सियासत करनी हो, जिधर भी आपने वोट हासिल करना हो, या तो भुट्टो की मुखालफत करके आप वोट हासिल करते हैं, या भुट्टो की हिमायत करके आप वोट हासिल करते हैं। तो भुट्टो भी ज़िंदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज़िंदा है, और इस तरह की घटिया हरकतें करके, इस तरह की लालच के लिए, पैसों के लिए एक सियासी ख़ानदान को, एक लड़की को आप टारगेट कर रहे हैं। खुदा रहा सोचे कि आपकी बहन की शादी हो रही हो, उसको निकाह पे लेके जा रहे हो, फिर हम ये बात करें कि उसका शौहर मर्जाई है। मर्जाई से याद आया कि पहले हम लोगों ने देखा कि जब ये मंगनी की खबर आती है दिसंबर के अंदर, तो हमने क्या कुछ कहा कि जनाब, जो इसका शौहर है वो चौधरी साहब, उनका ताल्लुक किसी मर्जाई कंपनी से है, वो मर्जाइयों के लिए उनकी इबादत गाहें बनाता था। तरह तरह के इल्ज़ाम, तरह तरह की वीडियोस, आर्टिकल्स अखबारात के अंदर जनाब खबरें लगना शुरू होगी। और बाद में जब मैंने खुद वीडियो बनाई, बताया कि भाई वो जो जिस शख्स का जिक्र किया जा रहा है, वो नाम सेम है लेकिन शख्सियत वो अलग है, वो वाकई मर्जाइयों को सपोर्ट करता है, लेकिन जिस शख्स के साथ बख्तावर भुट्टो की मंगनी हुई है, वो या उसका वालिद या उसके ख़ानदान में से ना कोई मर्जाई है, ना कोई मर्जाइयों को सपोर्ट करता है। सिर्फ ये था, बुक्स था, कीना था, और हमने टारगेट करना शुरू कर दिया, और सिर्फ पैसे कमाए यूट्यूबर्स ने, चैनल्स ने, अखबारात ने, इश्तहारात लिए। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि यार आपकी बहन की शादी हो रही है, और मैं खबर लगा दूं यूट्यूब पर कि फलाने की बहन जो है उसकी सुहाग रात लाहौर में होगी या कराची में होगी, किस गेस्ट हाउस में होगी, किस होटल में होगी, कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे ख़त्म होगी, इस तरह की खबरें देना मैं शुरू कर दूँ, तो क्या लगेगा आपको, क्या महसूस होगा? तो हम थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, बिलखसूस हमारे यूट्यूबर्स हजरात को, हमारे चैनल्स वालों को, कि यार कितनी कोई घटिया बात है। अंदाज़ा आप लगा लें कि सुहाग रात को हम लोगों ने नहीं बख्शा। शर्म आनी चाहिए उन अखबारात को, उन मीडिया के इदारों को, उन चैनल्स को, उन तमाम जो मैगजीन्स हैं उन लोगों को। अच्छा, फिर ये जब कुछ नहीं बचता आपके पास, इतने किस्म के खाने खिलाए गए, अबे तुम्हें क्या है उन लोगों से? कितना पैसा उन लोगों ने कमाया है, करप्शन की है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जरदारी साहब बिल्कुल साफ सुथरे है, करप्शन की होगी 100% की है, लेकिन माशाल्लाह NROs, फिर ये जो मुशर्रफ दौर में हुआ, उसके बाद हुआ, फिर नवाज शरीफ को दौर में हुआ, मुकमुका जो ऊपर नीचे होता रहा, वो अलग गुफ्तगू है। लेकिन इस तरह से एक लड़की को टारगेट करना, पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से हमने फातिमा जिना को कुतिया तक कहा। आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, तारीख के अंदर पड़ा हुआ क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए। बेनज़ीर को पीली टैक्सी कहा गया, फिर बेनज़ीर और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो की तस्वीरें नंगी करके हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से फेंकी,
फिर हमने उनके नंगे पोस्टर्स बना के घरों में फेंके। क्या सिर्फ लड़की को टारगेट करना? मरियम नवाज साहिबा आती है, आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है, मेरे चैनल्स पर मरियम नवाज के खिलाफ, उनकी करप्शन के खिलाफ, उनकी सियासत के खिलाफ, उनका तरीका जो वारदात है उसके हवाले से बहुत सारी तनकीदी वीडियोज मिल जाएंगी। लेकिन आपको मरियम नवाज की जातियात पर, उनकी शख्सियत पर अगर आपको कोई वीडियो मिलती है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली। और उसके बाद अब बख्तावर भुट्टो आ गई, तो उनको भी इस तरह से, क्योंकि औरत है, कमज़ोर है ना, तो आप कुछ भी कह लो इसको, अगर कोई किसी ने उस शख्स पर, उस मर्द पर भी कोई बात की है, नहीं की है, तो खुदारा सियासतदानों के नाम पर, सियासतदानों के ख़ानदानों पर, उनकी ख़वातीन पर, उन पर, औरतों पर ऐसे बोहतान लगाने से बाज आए, क्योंकि बोहतान लगाने वाले, तोहमत लगाने वाले खुदा को भी नापसंद है। कई बार कुरान में भी मना किया गया है, हदीस की किताबों में मना किया गया है, तो इस चीज़ से हमें बचना होगा। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, आपको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। मैं नहीं कहता आप चैनल्स को रिपोर्ट करें, जाए उनको ब्लॉक करें, वट एवर, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने उनका हौसला तोड़ना है तो उन चैनल्स को देखना छोड़ दें। अगर आप ये देखना छोड़ देंगे तो उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा और अनकरीब आपको सच बताना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी यूट्यूब की पॉलिसीज आ रही है, उसके बाद जितने आपको ये झूठ बेचने वाले, नंगी तस्वीरें दिखा के वीडियो में कुछ और डालने वाले जो लोग हैं, बकवासियात करने वाले, फेक न्यूज़ देने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो है, वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे कि यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई चैनल अब नज़र नहीं आएगा। बड़े बड़े चैनल्स डाउन हो चुके हैं। मेरे चैनल के लिए भी दुआ करें कि मेरे पास अगर कोई इस तरह की खबर हो, अल्लाह करे ना हो, क्योंकि यूट्यूब जो है वो बहुत बहुत लोगों को चला रहा है, सहारा दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, चैनल पसंद आया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस और अपडेट्स आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। इसके अलावा इतवार और जुम्मे को कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाइव आऊँ और मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूँ। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने अपना नीचे लिंक किया हुआ है, सलीम नवाज, salim.nawaz5252, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं और ट्विटर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई मसला मसाइल हो या कोई भी आपने मेरे साथ स्टोरी डिस्कस करनी हो, कोई बात देनी हो, कोई खबर देनी हो, तो मैं आपके साथ आपको वहाँ पर जवाब दूंगा। कॉमेंट सेक्शन में जवाब बाज़ दफ़ा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।